गीत की शादी रॉकी से होती है। रॉकी और लकी दोनों भाई जिनका आपस में बड़ा प्यार होता है। अरे वाह भाभी, क्या खाना बना है, अब तो घर में ही होटल वाला स्वाद रोज मिला करेगा। अरे लकी, तुम अभी जानते नहीं हो मुझे, तुम बस डिश का नाम बोलो, मैं तुम्हें इसी किचन में बनाकर खिलाऊंगी। चढ़ा रहा है तुम्हें ये, और तुम भी ना। गीत रॉकी के छोटे भाई को दोस्त की तरह मानती, वो रॉकी के साथ उसकी भी जरूरतों का ध्यान रखती। लकी, ये रहे तुम्हारे कपड़े, धोकर प्रेस करवा दिया है, अलमारी में सजा लो। अरे रख दो ना भाभी अलमारी में भी। हाँ हाँ, सब भाभी करेगी तो तू क्या करेगा। रहने दीजिए ना माँ जी, शादी हो जाएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। अरे रहने दो यार, तुम दोनों मेरे कपड़े यहीं पे रख दो। एक कपड़े अलमारी में रखने को क्या बोल दिया, शुरू हो गई। एक दिन, रॉकी सुनिए ना, कल जल्दी आ जाना, मुझे मायके जाना है, या सुबह छोड़ दीजिए और शाम को लेकर आ जाना। अरे नहीं नहीं, कल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, कल मीटिंग है। तुम लकी के साथ चले जाओ ना, और उसे कह देना कि शाम को लेकर भी आ जाएगा। लकी भाभी को लेकर मायके जाता है, शाम को लेकर भी आता है। आते वक्त, लकी तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, क्या बात है भाभी, मुझे भी दिखा दो, और उससे भी पूछ लो कि मुझसे शादी करेगी ना, इतनी सुंदर होगी तो मुझसे क्यों शादी करेगी भाभी। अरे वाह, क्या बुराई है तुम में, इतने अच्छे हो दिखने में, हाँ बस अपनी भैया से थोड़ा कम हो। हाँ भाभी, आपको तो भैया से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। लकी, तुम्हारे भैया हैं ही लाखों में एक। रात में दोनों घर आते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके घर रॉकी की मौत की खबर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। सब मिलकर माँ और गीत को संभालते हैं। एक दिन, गीत बेटा, अब तो रॉकी रहा नहीं, तू देख ले अगर मायके जाना हो तो। गीत कुछ नहीं बोलती और कमरे में चली जाती है। एक दिन बुआ सास उन लोगों के घर आती है। अरे भाभी, किसकी नजर लग गई आप लोगों के घर में, मुझे तो लगता है कि इस लड़की के ही पैर ठीक नहीं है, तभी तो आते ही हमारे घर का चिराग खा गई। बुआ सास की बात सुनकर गीत को रोना आ जाता है, वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। लकी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। बुआ क्या बोल रही है, किसी का जीना मरना ऊपर वाले के हाथ होता है, ना कि किसी के पैर पर। अरे देख लो भाभी, छोटा भी हाथ से निकल रहा है, ऐसा ना हो कि ये लड़की सबको आपके खिलाफ कर दे। तभी वहाँ गीत चाय लेकर आती है। लीजिए बुआ जी, चाय पी लीजिए। बुआ तो घर से चली जाती है, लेकिन सास के मन में गीत को लेकर नेगेटिव विचार भर जाते हैं। अब देख गीता, बहुत हुआ, यहाँ रहकर भी कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा कि अपने मम्मी पापा को बोल के तुझे यहाँ से लेकर जाए। और गीत अपने मायके चली जाती है, जहाँ आस पड़ोस के लोग कहते हैं, अरे रे, बेचारी की शादी के 2 साल ही हुए थे, लेकिन पति नहीं रहा, सास ने भी घर से निकाल दिया, देखो भाई भाभी कब तक साथ रखते हैं। और शादी करा देनी चाहिए इसकी, तो उम्र ही क्या है इसकी। हाँ, लेकिन करेगा कौन, एक तो शादीशुदा, ऊपर से कलंक पति की मौत का। तभी वहाँ लकी आ जाता है और वो पड़ोसियों की बात सुन लेता है। लकी तुम भाभी, ये जमाना आपको जीने नहीं देगा, लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपको आपके हिस्से की सारी खुशियां दूंगा। लीजिए, माँ ने आपका ये बैग भेजा है, इसमें आपके जरूरी सामान है जो वहीं रह गए थे। लकी देखता है कि गीत को ससुराल से लेकर मायके तक हर जगह सिर्फ ताने ही सुनने पड़ते हैं। वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है। माँ एक बात सुनो, ये कहाँ का न्याय है, एक लड़की जो छोटी सी उम्र में अपना पति खो चुकी है, वो अब दुनिया के ताने भी झेल रही है, यार ये तो गलत है ना माँ, हमें भाभी का सपोर्ट करना चाहिए,
क्या भैया होते तो भाभी को ऐसा देखकर दुखी नहीं होते। अरे देख लक्की, ये समाज ऐसा ही है, और भैया होते तो गीत की ये हालत होती ही नहीं। बिना पति के औरत को तो ये सब झेलना ही पड़ता है। लेकिन कोई तो जरिया होगा ना माँ, भाभी भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हम कुछ तो कर सकते हैं ना उनके लिए। हिस्सा है नहीं, हिस्सा थी, और अब तू ज्यादा ना भाभी भाभी करना बंद कर दे, समझा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, और एक दिन लक्की देखता है कि गीत उसके ही कॉलेज में पढ़ने आई है। अरे भाभी, आप यहाँ कॉलेज में कैसे? लकी, मैंने पढ़ने का निर्णय लिया है। शादी के कारण मेरी पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया गया था, पर अब जब कुछ नहीं बचा तो मैंने सोचा पढ़ाई में ही मन लगाऊं। अरे आपने बिल्कुल सही सोचा भाभी, किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो प्लीज बिना किसी हिचक के बताना, मैं हूँ आपकी मदद के लिए। लेकिन कहते हैं ना, गीत की जिंदगी में सब कुछ बहुत दिनों के लिए ठीक नहीं रहा, और एक दिन क्लास में, अरे ये विधवा है, इसकी तो शादी हो चुकी है। क्या बात कर रहे हो, हमारे साथ तो बैठकर ऐसे पढ़ाई करती है जैसे बच्ची हो। अरे बच्ची नहीं, बहुत शादी रही है, किसी को नहीं बताया कि ये शादीशुदा है, वरना हम इसे आंटी आंटी कहकर पुकारते ना। अरे अब तो पता चल गया ना, आंटी जी, आंटी आंटी। फिर क्या, सभी गीत को आंटी बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। गीत को रोना आ जाता है और वो क्लास के बाहर जाकर रोने लगती है। सामने से लकी आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? तभी पीछे से एक लड़की आ जाती है। हे हैंसम, इस औरत से ना दूर रहना, इसके प्यार में मत पड़ जाना, क्योंकि ये शादीशुदा है, हमारे साथ झूठ बोलकर हम जैसे ही रह रही थी। हाँ तो क्या गलत है, सही उम्र में तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देते तो आज तुम भी शादीशुदा ही होती ना, पर इनका पति नहीं रहा, उसमें इनका क्या कसूर? अरे कोई अपने जीवन को नई शुरुआत दे रहा है तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? अरे तुझे बड़ी दया आ रही है, कर लेना तू शादी। लकी तब तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बात उसके मन में घर कर जाती है। और फिर एक दिन, माँ मैं गीत से शादी करना चाहता हूँ। अरे क्या बक रहा है बेटा, तेरा भाई तो खा गई वो, अब मैं अपना दूसरा लड़का नहीं खो सकती। नहीं माँ, मैं गीत को यूं परेशान नहीं देख सकता, उसका कॉलेज में भी लोगों ने जीना मुहाल कर रखा है, मैं उनसे शादी कर उन्हें फिर से इस घर की बहू बनाऊंगा। तुम मानती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे मुझे मंजूर है बेटा। लकी माँ के साथ गीत के घर जाता है और उसका हाथ मांगता है। घर वाले मान जाते हैं। थोड़े से इनकार के बाद गीत भी लकी से शादी करने को मान जाती है।